आज कहाँ जा रहे हो? एक बात तो बता लाला, तो कहा मतलब है तो खेलवे से मतलब है, खेल जाए के का लेना देना है मैया? हाँ एक बात बताना, बोलो कि मैया ने आज नया उत्सव और किस लिए मनाया जाता है? कहाँ जा रहे हैं बताओ, तुम्हें मेरी कसम है लाला। हाँ तू हमें काय को परेशान कर रहा है, काय को कसम दे रहा हूँ? पूछ रहा हूँ तो मतलब का है, तो कुछ ना कुछ मतलब है, तो मतलब ये है। हाँ? इस पूरे ब्रजमंडल की गोपियाँ कहाँ जा रही हैं? ऐसा करो हाँ? तो हमें छोड़ो हाँ? तो बाबा से पूछो जाए, हमें काम करना दे, एक तो समय ना जो तो आई फालतू बात ना हम जवाब दे बाबा। लाला मैया आज बड़ी सुंदर लग रही है। हाँ अच्छी साड़ी पहन रही है। हाँ कहाँ जा रही है? कन्हैया ओ आपने भी कुर्ता नया पहन लिया है। हाँ हाँ कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें नहीं मालूम है आज के दिन हम समस्त वृंदावन वासी इंद्र का पूजन करते हैं लाला। क्यों? क्योंकि इंद्रदेव खुश होकर के जल की वर्षा करते हैं, जिससे हरी भरी घास होती है, हमारी गैया बछड़ा चरते हैं, आनंद से रहते हैं। इसलिए इंद्र का तो काम है जल की वर्षा करना, तुम पूजा करो तो करिए, न करो तो करिए। क्या मतलब? हाँ तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब हमारा ये है कि इंद्र की पूजा न करो। फिर अब एक मिनट बुजुर्गो, एक बात मैं कहूंगा, गौर से सुन लेना। हालांकि ढोलक चिमटा मजीरा तो बजता ही रहता है, बहुत तो अंतर है। कन्हैया बोले Yeah।
सगी माँ तसे कहे डुकरिया और सास सु कह रहे मैया सगी माँ तसे कहे डुकरिया सास सु कह रहे मैया जिस माँ ने जन्म दिया है बाजा का तो काबा दे डुकरिया और पत्नी की जो माँ है बाजा का तो मम्मी सही कही मम्मी जी मम्मी जी नमस्ते नमस्ते बंद करिए बेटा एक सास के घर यानी एक अनपढ़ लड़की और पढ़ी लिखी परिवार में आई गई सो जब अपने पापे या मम्मी को टेरो करे तो ऐसे ही बोलो करो ए फलाने ये ना यो ए अम्मा डुकरिया को पूरो परिवार हो तो सुपाने कही जो कही हमारी नाक कट गई बिना पढ़ी लिखी लड़की जो घर में आ गई इधर आ अब एक काम कर जब किसी को बुलाया करे किसी को बताया करे तो आगे पीछे जी लगा दिया कर तो सुनने वाले लोग समझेंगे कि लड़की पढ़ी लिखी है अब वो बात दिमाग कम फिट हो गई एक दिन छत्ते पे कपड़ा सूखन डाल रहे और छत्ते के पीछे बठिया लग सुबह एक भैंसा बठिया खिसाई रहो ऊपर से एक ने बोली मम्मी जी हाँ अरे ये भैंसा जी बठिया जी को घसा रहे मम्मी बोली जाने तो हमारी कता बोली है दही इधर आ का ये बठिया जी और भैंसा जी को बते भाई लड़की बोली तुम नहीं तो कही काऊ बुलाओ करो तो आगे पीछे जी लगा दिया करो बोले हमने आदमी बताए भैंसा बताए ऐसे ही एक पति ने पत्नी से कहा ए नेताजी बैठे चाय ले आओ सुबचारी भी हाथ में चाय ले आई और पार लेके बिस्कुट पकड़े निकल ले अब पति ने कही शर्म करो हम नेता हैं समाज में बोलते हैं लोग चेहरे की तरफ देखते हैं जब हम कुछ मंगाया करें तो थाली में रख के लाया करो अब नेताजी बैठे बगल में और प्रधान जी बैठे अब थोड़ी देर बाद बनने कही मैडम जी हेलो अरे हमारे जूते ले आओ अब उन्हीं की पति ने थोड़ी देर पहले कही थी कि कोई चीज मंगाओ करे थरिया में लाओ करो सोने पकसा में से नई थरिया फौजी निकाली और जूता धरे थरिया में निकली ले नेता जी देवती फौरन जूता थाली में जो कहीं थाल ही कचुकाता हो आल ही कचुकाता हो हमें का मालूम तुम काय मंगाते हो ऐसा हो जाता है एक पढ़ी लिखी लड़की अनपढ़ परिवार में पहुंच गई दो भैया रहे और दो भैया बिना पढ़े लिखे सवेर सवेरे में तो खेत जोतन चले गए बदल है गए और बिन्ने नाव दो श्रृंगार के लिए अपनी पिटारी खोली बैठ गई क्रीम आती तो मैगी भाई सुबह लगाए लगाए सो देवर पहुंच गया देवर ने सोची भाभी कोई मैगी चीज अच्छी सी डुबा का खा रही भैया चले खेत खा रही से एकदम कही कही भाभी नहीं तो भाभी ने की देवर है दे दो थोड़ा सोने हाथ पहने क्रीम लगाई दी लगाई दी सोने भाभी के सामने देखी 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 अब भाभी कहने लगी हाय भगवान जान क्रीम चाट ली अब ने एक देर बाद हाथ मान लो और फिर आएगा जिकी भाभी ने तर ने तर सुनी हो ये और धंधे अब उन्हें उन्हें के बस सामान और एक द्वार निकल गया उन तो वह निकल गया जैसे की बार वोट में सोई चाट ली तीसरी बार फिर आए भाभी ने तवर सो भाभी को गुस्सा आ गया सुनने गाल पे एकदम ए टमाटर दिया अब बैठे रो तोले होने के भैया आए क्यों रो रहे हैं कि भैया भाभी ने मार लो कहां मारो गाल में क्यों भाभी कुछ खाए रही थी सो हमने नेक मांग लिया सोने हमें दो बार दे दिया तीसरी बार मांगा सुन अच्छा उसकी इतनी हिम्मत उसने तुझे नहीं मारा उसने तुझे मार के मेरा मेजरमेंट लिया है चल उनने बद्धा रुपये ना फेंको जी काय तूने भैया मारो
अब भी डराई गई बेचारी बिन्नी की तुम्हारी किस्म हमने कतई ना मारो हमने हमको सो ऐसे अंग्रिया छुआई दी मैगी क्रीम आते तुम बताइयो मैगी क्रीम आते हम लगाए रहे थे सो इन्हें मांगी हमने दे दी दोबारा फिर मांगी तीसरी बार मांगी सुने डांट दिया पति बोला क्या है वो क्या दिखा हमें दिखा ये अरे हरे हमारे हाथ पर लगा सोने भाई क्रीम उनके हाथ पर लगाई दे सुबह उन्हें के सामने पति ने उन्हें उचाटी और उन्हें उचाटी अबे बोले तूने ठीक मारो अरे ये ना बन सही मारो इतनी मेहंदी आती है और तू रूखी खाइए तो कहते हैं ये बेवकूफ रोटी में चुपरी चुपरी के खा पत्नी बोली जू जाऊ ते बड़ो टंबुआ है हाँ जाई करो बता थे तो मेरा मतलब है ऐसे अंधविश्वास में कभी मत पड़ना कभी भी तुमने देखा हो बाबा लोगों में आ जाते हैं क्वार के महीना में एकादशी है ग्रहण पड़ेगा दो किलो घी करुआ तेल आटा हमें दो कभी मन देना किसी को सब ड्रामाबाज नौटंकीबाज हैं मैं बता रहा हूं आपने सुना होगा दो तीन साल पहले एक आइटम चला था साथ यहां न चलाओ रात में सिलौटा बटना में दांत हो जाते यहां ड्रामा चला था ना हाथ उठाओ किन किन घर में चला है चला था अच्छा किन किन घर में दांत भाई जरा बताइयो तब तो खूब कई फोन कर करके चाची हमारे वो ये क्या था ये भी चोरों का एक नाटक था मैं बता दूं उसमें ये तुरप लगी थी रात में खुटर पुटर की हो गई आवाज और पति पत्नी या बच्चे ने आवाज दे दी तो पत्थर हो जाओगे एक पति पत्नी रात में परे आपस में बतलाएं काय टिलवे पापा जे सुनीता जिज्जी करे बटना में सलोटा में दांत हो गए और उनके मोहे गए हरके में ना वे का मतलब भगवान हम तुम पे रूठ गए पति बोलो ना हो जाए अगर सबके में होता है तो बाई रात घर में घुस गए चोर अब चोर घुस गए बे सोए रहे उनने बक्सा को तारो तोड़बो शुरू करो अब भैया जब तारो तोड़ो जाए परिचय जी तो खुटर पुटर तो यही सो पत्नी एकदम बोली ए टिलुए पापा आ जा रखे मोहन लगे आ जा रखे मोहन लगे आ जा रखे मोहन लगे पुलीना पत्थर हो जाए परे रहे बे झुमकियां कुंडल हार सब निकाल ले गए सवेरे में जगी उन्हें की हर को सिलोटा बटना देख ले सिलोटा बटना देख ले अब सिलोटा बटना तो नजर ना आई गई पकसा मो भारे डरो बकसा मो भारे डरो सोने एक दिन ओ टिल्लुए पापा काए कि अरे दैया बकसा में कछु ना ही रहो कि क्या हो गया कि अरे लड़ाऊ लेगो कुंडी लेऊ लेगो क्या हुआ अरे एकदम बोली गजब होई गो सिलोटा बटना में दांत ना रहे तो हमारे दांत बाहर निकल गए तो मेरा मतलब है इनसे बचना अभी एक बार और चली थी थोड़े दिन पहले मालूम क्या चली गई मेरे यार और जब छुट्टी आती बीमारी गई इसी बीच में क्या बार रुपया चिंपी यादव बड़ा के सबसे हमें भेंट कर रहे हैं सब बुद्धि प्रदान करे यही आशा और कामना अब 100 रुपया हुकुम सिंह यादव बड़ा के सब क्या है ये घड़ा उठा दे दोबारा लिखिएगा चली गई
अच्छा मुझे लगता है बरा के समय तो काउ चुटिया कटी ना होए कटी ना कटी सही बताइए बुजुर्गों तुम्हारी इंतजारी में कटी काउ नहीं कटी लेकिन ड्रामा कितना चला एक दरोगा जी रहे माफ करना एक दरोगा जी रहे और अय्या उनकी पत्नी बाजार से बुक करके आई हाँ शॉपिंग उनकी रत्तई में काट लिया दरोगा जी उनकी रखा तो फिर इस पे लिखा है सिंटू यादव बिछुन पर रूठ।